जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेते हैं, इंश्योर कीजिए कि जो ईएमआई डेट होती है, फिर बिल डेट होती है, उसके पहले आप उसको पे कर लिया कीजिए, या फिर जो कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोडक्ट में मिनिमम 5% पे करके आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा ये है कि आपने 5% पे कर दिया है और आपने इंश्योर किया है कि मैं आपने बताया बैंक को मैं इंटरेस्ट के साथ इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो वो डिफॉल्ट नहीं गिना जाता। अगर आप बिना कोई भी पेमेंट किए आप अपनी ड्यू डेट मिस करते हैं तो उसको डिले किया जाता है, उसको डिफॉल्ट किया जाता है, डेज पास्ट ड्यू। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? सो वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू शो व्यापार की बात व्यापार के साथ। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो हम आ गए। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बिजनेस आइडेंटिटी के बारे में और मिस्टर कुशल ने हमें काफी डिटेल में बिजनेस आइडेंटिटी के बारे में समझाया था। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कुशल कोठारी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एज ए बिजनेसमैन आपके और आपके बिजनेस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो एपिसोड है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल एपिसोड और बात करते हैं कुशल के साथ। हाय कुशल, कैसे हैं आप? ऑल वेल मालविका, बताइए। वेदर काफी सही है, बस काम चल रहा है। सो कुशल, एक टर्म से हम लोग सब लोग वाकिफ हैं, दैट इज अ गुडविल, ओके, राइट? यानी कि हिंदी में कहें तो ख्याति। बचपन में इनफैक्ट हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है, जो खासकर कि बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो गुडविल होती है वो एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है। जी ठीक है। अब जब भी क्रेडिट लेने की बात आती है या क्रेडिट देने की बात आती है, राइट, सो इन दैट केस एज अ बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल, आपकी गुडविल के बाद सबसे पहले जो चीज मेजर की जाती है या फिर देखी जाती है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। ठीक है, राइट। एंड आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि व्हाट इज अ क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता क्या है? ठीक है, तो देखिए मालविका, आपने सही बताया कि जब भी कोई लोन वोन की अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो सबसे पहले बैंक या NBFC जिससे भी आप ले रहे हो वो आपका देखता है क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर इफेक्टिवली है ये क्या कि आपने जैसे बताया गुडविल, राइट, कि अगर बैंक जैसे आपको जानती नहीं है, आप कोई इंडिविजुअल हो जो किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, अब आप सही हो बुरे हो, आप डिफॉल्ट करोगे, आप में इंटरेस्ट पे करने की क्षमता है नहीं है, ये सभी चीज़ों का एक नंबर जो अराइव किया जाता है उसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। ठीक है, नाउ ये इफेक्टिवली एवरी बैंक एवरी कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट लेते समय आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, और आप कोई भी अगर क्रेडिट प्रोडक्ट लेते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, आपका अगर कोई डिफॉल्टर है, वो सभी डिटेल्स भी उसी क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट की जाती है। तो दिस इज हाउ अ क्रेडिट स्कोर वर्क्स, इट्स अ सिंगल नंबर जिसके बेसिस पे बैंक आप असेस करती है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप प्रोडक्ट, आपको क्रेडिट प्रोडक्ट दे सकते या नहीं दे सकते। क्या क्वेश्चन, राइट? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट स्कोर, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है? ये क्या होता है ये तो हमने जाना, लेकिन हाउ इट वर्क, मतलब क्या मैकेनिक्स है इसके पीछे, कैसे बनता है क्रेडिट स्कोर किसी इंडिविजुअल का या बिजनेस का? ठीक है, तो इसके थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, काफी सालों पहले एक लॉ से चार क्रेडिट एजेंसी बनी गई थी, सिबिल, क्रिफ, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स। इनमें से शायद आपने सिबिल का नाम सुना हो, शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियन का भी शायद नाम सुना हो। तो ये लॉ से बनाया गया था, और इसमें हुआ ये था कि बैंक्स और NBFCs को मैंडेट किया गया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स वो इश्यू करते हैं अपने कस्टमर्स को, उन सभी प्रोडक्ट्स का मंथ ऑन मंथ जो परफॉर्मेंस है कि आपका रीपेमेंट जो हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, सभी डिटेल, सभी जानकारी, कौन सा प्रोडक्ट लिया है, कितने की अमाउंट ली है, कितना आपका यूटिलाइज हुआ है, मतलब आपको 1,00,000 का क्रेडिट कार्ड दिया गया और अपना 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब 20% आपका यूटिलाइज है, तो ये जितनी भी डिटेल्स है एवरी बैंक इज मैंडेटेड बाय लॉ हर महीने के एंड में उन्हें सबमिट करनी होती है इन सभी चारों ब्यूरो को। और हर ब्यूरो का एक अपना तरीका होता है जो हर डेटा पॉइंट्स को लेके, सभी को सब डेटा मिलता है सभी बैंक्स एंड बेसिस है, तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को लेके आपका एड्रेस, आपके कौन से नंबर है, कहाँ पे रहते हैं, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कितना यूटिलाइज किया है, कितना डिफॉल्ट किया है, ये सभी उनके हर किसके तरीके होते हैं,
और हर तरीका से वो लोग 300 से 900 के बीच में आपको एक स्कोर असाइन करते हैं जिसको कहा जाता है क्रेडिट स्कोर। अब इन सभी के तरीके थोड़े अलग होते हैं और इन सभी के तरीके थोड़े इवॉल्व भी होते हैं। जैसे कुछ लोग के वर्जन 2 थे कुछ सालों तक, कुछ अभी वर्जन 3 हो गए और ये भी अपने इवॉल्व करते रहते अपने मॉडल्स कि कैसे एक इंडिविजुअल को असेस किया जाए बेसिस द डेटा दे गेट फ्रॉम द बैंक्स। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड जैसे मैंने कहा सिविल सबसे ज्यादा नोन और सबसे ज्यादा यूटिलाइज ब्यूरो है, वैसे ही एक्सपीरियन इक्विफैक्स और क्रिफ ये सभी अपने ब्यूरो बनाते हैं। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम करता है टू सो दैट इस स्कोर का यूटिलाइज कर सके वो कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट के असेसमेंट के लिए। बिल्कुल। एंड कुशल, जैसे आपने बताया कि 4 कंपनीज के नाम आपने हमें मेंशन किए जो कि इस सेक्टर में आई थी, एंड मैक्सिमम एज इन मैंने भी जो सुना है मैक्सिमम वो नाम सुना है सिबिल का। इवन क्रेडिट स्कोर का दूसरा नाम ही है सिबिल स्कोर। बिल्कुल। अगर हम कहीं पे भी किसी से बात करें या दुनिया में देखें तो सब जगह सबको मालूम है कि सिबिल स्कोर इज व्हाट। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो कंपनी ही एक नाम बन गई एक टर्म का व्हिच इज अ सिबिल स्कोर, बट उसको क्रेडिट स्कोर को ही सिबिल स्कोर बोल दिया जाने लगा। करेक्ट। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ मतलब लाइक कि सिबिल स्कोर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जी। तो क्या मतलब एडवांटेजेस तो नहीं बोलेंगे बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर, क्यों इम्पोर्टेंट है एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बीइंग अ बिजनेसमैन। तो देखिए जैसे मैंने कहा आप मान लीजिए आप किसी भी बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, राइट। तो आप मान लीजिए आपका प्रोपराइटरशिप का बिजनेस है तो आप बैंक के पास गए, आपने सभी डिटेल्स दी, आपकी आपने बताया 5 लाख का लोन चाहिए मेरे बिजनेस के बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सबसे पहली चीज वो जो करेंगे वो है ब्यूरो में इंक्वायरी डालेंगे कि देखिए मालविका मेरे पास आई है और ये लोन के लिए इंक्वायरी कर रही है, आप बताइए कि मालविका की कोई क्रेडिट हिस्ट्री रही है नहीं रही है पिछले काफी सालों में और उनका स्कोर वगैरह क्या है। तो वो स्कोर का कट ऑफ कई जितने भी क्रेडिट प्रोडक्ट्स है आपको ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट्स में एक कट ऑफ मिलेगा। कुछ बैंक्स होते हैं जो 720 के स्कोर के नीचे किसी को लोन देगी नहीं, कुछ NBFCs होते हैं जो थोड़ा और नीचे जाएगी वो 680 के नीचे नहीं जाएगी, कुछ लोग 650 के नीचे नहीं जाएंगे। अधिकतर से अधिकतर बैंक NBFC 650 के स्कोर के नीचे लोन अधिकतर लोगों को नहीं देगी और इसका एक कारण है बिकॉज काफी सालों से बिकॉज ये डेटा आ रहा है, राइट। और काफी सालों से देखा है कि 650 के नीचे तो मतलब लॉस डिफॉल्ट की प्रॉब्लम बहुत हाई होती है। अब ये 650 से 760 का कट ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग बैंक्स का होता है, किसी को थोड़ा रिस्क कम लेना है बट बेटर रेट देना है तो वो 760 का कट ऑफ रखेगा, कुछ लोग काफी अग्रेसिव जाना चाहते हैं तो 650 तक भी जाएंगे लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ज्योग्राफीज में अलग अलग कट ऑफ रखती है। तो ये आपका सबसे पहला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर है क्या, ठीक है। अब क्रेडिट स्कोर की ही बात करें तो इसमें जैसे मैंने कहा कि आपकी पूरी हिस्ट्री आपकी डिटेल्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स है सब कुछ इसमें कंज्यूम होता है, राइट। बट इन सभी चीजों में ब्रॉडली वो लोग 5 चीजें अराइव करते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं किसी भी क्रेडिट स्कोर के। अब मोटा मोटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि विंटेज। अब विंटेज को बोला जाए तो इसका मतलब ये कि आपका जो पहला क्रेडिट प्रोडक्ट आपने कभी भी लिया था वो कितना पुराना है। मान लीजिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जो 6 साल से एक्टिव है, विच मीन्स बैंक की 6 साल की हिस्ट्री रिकॉर्डेड है कि 6 साल तक आपने कितना आपका स्टेटमेंट वगैरह कितनी बार जनरेट हुआ था, कितनी बार आपने रिपेमेंट टाइम पे किए, कितनी बार डिफॉल्ट किए, कितनी बार पेनल्टी लगी एक्सेट्रा, राइट। तो जितना सबसे पुराना आपका एक कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट हो फिर वो होम लोन हो फिर वो क्रेडिट कार्ड हो कुछ भी हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है बिकॉज आपकी हिस्ट्री क्रेडिट की हिस्ट्री वहां पे वो डिनोट होती है, दैट्स नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपके यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपको एक 10 लाख की लाइन दी गई है और हर महीने आप 7 लाख आपका हमेशा यूटिलाइज होता है, विच मीन्स आप काफी ज्यादा यूज कर रहे हो क्रेडिट का। तो कई बार ये थोड़ा शायद नेगेटिव गिना जा सकता है कि मालविका को 10 लाख की लाइन दी और वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करे, काफी ज्यादा क्रेडिट यूज कर लिया। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल यूज नहीं करेगा, बिल्कुल यूज नहीं करोगे तो इसका ये भी मतलब है कि इसको क्रेडिट लाइन देने का फायदा है बिकॉज इससे बिजनेस तो आना है नहीं। तो कई बार होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है 10 से 20% के बीच में आप यूटिलाइज कर रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, पे कर रहे हो, ओनली इन कोई ज्यादा सर्कमस्टेंस आ गया तो आपने ज्यादा बड़ा अमाउंट खींच लिया बट आपने रीपे कर लिया। तो यूटिलाइजेशन एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कस्टमर कितना ज्यादा रिस्की है या नहीं है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर जो जाता है वो होता है आपकी किस टाइप के अकाउंट्स हैं। तो ये होता है कि आप बार बार सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड ले जा रहे हो तो आपका एक ही टाइप का प्रोडक्ट है पूरे आपके पोर्टफोलियो में। बट कुछ लोग होते हैं जिनके पास होम लोन भी है, थोड़ा पर्सनल लोन भी है, थोड़ा क्रेडिट कार्ड भी है, अलग अलग वैरायटी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं।
तो इसको थोड़ा बेटर माना जाता है कि आपके डिफरेंट नीड्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर रहे हो, तो इसको होता है क्रेडिट मिक्स, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से प्रोडक्ट्स का मिक्स है इन सब चीजों में। और मैं एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं आई थिंक शायद बताना भूल गया, वो सबसे बड़ी चीज है आपका रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, इतनी ज्यादा किस्तें आप पे किए जा रहे हैं, अगर एक भी बार आपका कोई डिले होता है, ईएमआई वगैरह डिले होता है, तो सीधा हाईलाइट हो जाता है कि ये ईएमआई की 2 दिन से डिले हुई थी। कुछ लोग होते हैं जो हर ईएमआई 2-3 दिन डिले से पे किए जाते हैं, उन केसेस में और भी ज्यादा थोड़ा शायद बैंक थोड़ी अवर्स हो गया और आपका स्कोर गिर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनफैक्ट नंबर वन इवन मोर देन विंटेज मैं बोलूंगा कि ये होता है आपका आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, कि आप कितना डिले पे करते हो और आपका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई कई बार बैंक राइट ऑफ भी कर लीजिए आपने पे नहीं किया तो ये तो आपका नंबर मतलब सबसे हाई वाला स्टैंडर्ड हो ही गया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जो विंटेज, यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मिक्स, रीपेमेंट हिस्ट्री, ये सब के सब आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करने में कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसे निकलेगा एंड में। बिल्कुल क्वेश्चन, सो दीज आर द कंपोनेंट्स जिनको मिला के एग्जैक्टली क्रेडिट स्कोर मेजर किया जाता है या फिर फाइनल किया जाता है कि व्हाट इज योर क्रेडिट स्कोर। एंड जहां हम बात करें क्रेडिट स्कोर क्या कैसे बनता है, तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जो बनाया गया है टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली द यूजर्स की हम बोलेंगे क्रेडिबिलिटी जिसको बोल सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ अ गुड विल की उनका जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो कैसा रहा है इन द क्रेडिट सेक्टर, उनके रिपेमेंट्स कैसे रहे हैं, उन्होंने किस तरीके के क्रेडिट्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, और मतलब सारी चीजों को मिक्स करके देन दे डिसाइड कि व्हाट इज द सिबिल स्कोर, एंड इसी बेसिस पे, इस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे उनका फ्यूचर भी पूरी तरह से डिपेंड करता है। जी yeah, so moving to the next question, Kushil, how to maintain a good credit score? मतलब अगर किसी individual की ही हम बात कर लें या businessman की बात करें, तो कैसे वो manage कर सकते हैं एक good credit score को? क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि काफी जरूरी है एक good credit score होना, लेकिन उसको manage कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए good score? क्योंकि क्या reasons हो सकते हैं कि bad score चला जाए, तो what is the reasons कि कैसे हम उसको अच्छा से बना सकते हैं? ठीक है, तो मल्लिका जी इसमें आई थिंक जैसे मैंने कहा कि कोई भी बैंक आपका स्कोर देते हैं एक मोटा मोटा नंबर 720 या 760 जो भी कट ऑफ रखती है, राइट। अब जैसे चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए, इनफैक्ट पांचवा भी पैरामीटर है जो मैं डिटेल में विस्तार में बताऊंगा। तो पहले ही तो चीज होती है आपका क्रेडिट कोई प्रोडक्ट होना सबसे पहली बात, बिकॉज होता यह है कि 30-40% केसेस में जो कंज्यूमर होता है वो पहली बार लोन के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है न्यू टू क्रेडिट, एनटीसी कस्टमर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है कि अच्छे बुरे क्रेडिट स्कोर से पहले तो क्रेडिट स्कोर होना ही जरूरी है, विच मीन्स आप कोई ना कोई क्रेडिट प्रोडक्ट अगर आपने लेके रखा है तो आपकी हिस्ट्री बननी चालू हो जाती है, एंड इफ नॉट अभी अगले 2-3-4 साल बाद जब आपकी अच्छी खासी रिपेमेंट हिस्ट्री बनती जाएगी तो आपका स्कोर भी इंप्रूव होते जाता है। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, ले लीजिए, यूज नहीं करना तो मत करिए, थोड़ा बहुत यूज करके रिपे करते रहिए टाइम पे, बट एक क्रेडिट प्रोडक्ट होना जरूरी है टू जस्ट क्रिएट योर क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। सॉरी टू इंटरप्ट यू क्वेश्चन, सो वी कैन से कि आजकल हमारे पास हर एक बिजनेसमैन के पास तो डेफिनेटली आता होगा, क्योंकि इंडिविजुअल के पास भी कॉल्स आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सो दैट यू आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि हम ये नहीं कहते कि लीजिए, लेकिन या इट्स अ सजेशन कि अगर आप ले लेते हैं, क्योंकि जनरली आपके क्रेडिट स्कोर को स्टार्ट करने का एक जरिया है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका एक क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो गया है, ऑन दैट बेसिस यू कैन डू द फर्दर थिंग्स। जी बिल्कुल सही कहा, जैसे मैंने बताया कि अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड तो सबसे आसान प्रोडक्ट होगा टिपिकली लेना, बिकॉज हर बैंक ऑफर करता है, बट ये भी चीज है कि कई बार इमरजेंसी में भी यूज आता है, तो प्रोडक्ट के बेनिफिट तो है ही है, बट मोर देन प्रोडक्ट बेनिफिट, कल को आपको फ्यूचर में आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ा या फिर होम लोन लेना पड़ा, तो ये सब चीजें तब जाके आपको काम आएगी, जो कम से कम 5-6 साल बाद, टिपिकली 6 साल का विंटेज अच्छा माना जाता है। तो अगर आप आज लेंगे और धीरे धीरे आपका बनेगा वो स्कोर, तो 6 साल बाद आपको उसके बेनिफिट देखने चालूंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड सबसे आसान तरीका है लेने का, चाहे तो कोई पर्सनल लोन या गोल्ड लोन भी आपको लेंगे सर तो वो भी ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट ले लीजिए सो दैट आपकी हिस्ट्री बननी चालू हो जाए। तो ये तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेसमैन ही हो, आप कोई भी इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है, या फिर आप नौकरी पे जाते हैं, या कुछ भी करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर क्रेडिट स्कोर बाय डूइंग दीस थिंग्स। जी, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि काफी सारे बिजनेस प्रोप्राइटर होते हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का क्रेडिट स्कोर और इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर सेम ही माना जाता है,
वाइल एक अलग प्रोडक्ट होता है जो बिजनेस क्रेडिट स्कोर अलग से निकालता है, बट वो बड़े पार्टनरशिप में प्राइवेट लिमिटेड का एक अलग सा थोड़ा मेथोडोलॉजी भी होता है। बट प्रोपराइटरशिप के केस में तो इंडिविजुअल और बिजनेस का क्रेडिट स्कोर मोटा मोटा सेम ही माना जाता है। सो ये एक इसके मैंने कहा कि इंडिविजुअल के नाम पे भी क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड लेके रखा है एंड आपको अपने प्रोपराइटरशिप के नाम पे भी लोन लेना होगा तो भी आपको उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये पहली चीज हो गई। और ये आपने कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी चालू की, जैसे मैंने कहा विंटेज जो होता है तो आपका बनना चालू हो जाएगा, 5, 2 साल, 4 साल, 6 साल का जैसे विंटेज बन जाएगा वो काफी एक अच्छा फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात हो गई विंटेज की, जहां पे हमने कहा कि आपकी जितनी ज्यादा लंबी हिस्ट्री होगी उतना बेटर होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी रीपेमेंट। जैसे मैंने कहा अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेते हैं, इंश्योर कीजिए कि जो ईएमआई डेट होती है या फिर बिल डेट होती है उसके पहले आप उसको पे कर लिया कीजिए, या फिर जो कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोडक्ट में मिनिमम 5% पे करके आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब कैरी फॉरवर्ड करने से का फायदा ये है कि आपने 5% पे कर दिया है और आपने इंश्योर किया है कि मैं आपने बताया बैंक को मैं इंटरेस्ट के साथ इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो वो डिफॉल्ट नहीं गिना जाता। अगर आप बिना कोई भी पेमेंट किए आप अपनी ड्यू डेट मिस करते हैं तो उसको डिले किया जाता है, उसको डिफॉल्ट किया जाता है, डेज पास्ट ड्यू, एंड उस चक्कर में आपका क्रेडिट स्कोर काफी इंपैक्ट होता है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट हो सकता है। तो मेकिंग श्योर आपका रीपेमेंट हमेशा टाइम पे हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो रीपेमेंट की बात होगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, बिकॉज़ कि यहीं पे हम लोगों को पता नहीं चलता, इवन यू नो लाइक समटाइम्स इट्स अ रीजन आल्सो, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं एक दो दिन हो जाएगा डिले काफी रीजन से, किसी भी रीजन से या फाइनेंशियल रीजन से, बट वी शुड अवॉइड दिस। सो दिस इज अ मैसेज इंपॉर्टेंटली फॉर आवर ऑल व्यूअर्स कि ये जो चीज है इसका काफी ध्यान रखा जाए कि रीपेमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके क्रेडिट स्कोर में, जिसका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कई बार कस्टमर्स के साथ ये भी होता है कि कई बार लोग भूल जाते हैं, उनका इंटेंट नहीं होता कि डिले पेमेंट करें, बट वो एक स्टेटमेंट जनरेट होता है 5 तारीख को 25 तारीख को ड्यूटेड है, मिस हो जाता है। कई बार ऑटो पे रखा हुआ है और लेकिन आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं था, मिस हो गया। तो ये सब चीजें जो छोटी चीजें कई बार इंटेंशनली नहीं होता बट कई बार आउट ऑफ इंटेंशन भी लोगों का मिस हो जाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पे एक भी अगर पेमेंट मिस होती है आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम 40-50 पॉइंट से नीचे गिर सकता है। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक श्योर यू बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तीसरी जो चीज आती है जैसे मतलब मिक्स, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट प्रोडक्ट्स है ट्राई कीजिए कि थोड़ा मिक्स हो, कि सिक्योर्ड लोन हो गया जैसे होम लोन या ऑटो लोन, अनसिक्योर्ड लोन हो गया जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, अगर आपके पास बी एन बिल टाइप के प्रोडक्ट है वो भी इनफैक्टली अनसिक्योर्ड लोन से, तो ये जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्स होगा उतना बेटर माना जाता है कि कस्टमर को पता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए यूज करना है, ही नोस क्रेडिट की वैल्यू एंड ही नोस को कैसे यूज करना है। अगर वो रीपेमेंट टाइम पे कर रहा है ही इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कस्टमर, बिकॉज देखिए क्रेडिट स्कोर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बंदा डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, क्रेडिट स्कोर का ये भी मतलब है कि बंदा एज अ क्रेडिट कस्टमर जो यू नो बैंक के लिए पैसा बनाएगा, एक इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो कैसा अच्छा कस्टमर होगा। तो जितना आपका प्रोडक्ट का मिक्स भी अच्छा होगा उतना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल, एंड ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया कुशल, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया तो मैंने शायद 4-5 क्रेडिट कार्ड ले लिए, मैंने क्रेडिट स्कोर पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं थी जी। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो पता चला कि मैंने वो क्लियरली ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन एक अगर मिक्स आपका इन्वेस्टमेंट है इस चीज के अंदर, आपने ध्यान दिया है और आपने क्रेडिट डिफरेंट सेक्टर्स से लिया हुआ है, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, इट्स अ प्लस पॉइंट। वो बस इंडिकेट करता है कि कस्टमर थोड़ा अवेयर है, उसको पता है कि रिस्पांसिबली कैसे कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है। ठीक है, फिर एक चीज होगी जैसे मैंने यूटिलाइजेशन कहा कि अगर आपकी या कोई भी प्रोडक्ट की लिमिट मान लीजिए आपको दी गई है, एक क्रेडिट कार्ड दिया गया 1 लाख का, तो मेकिंग श्योर कि आपका यूटिलाइजेशन टिपिकली 20-30% से ज्यादा ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर रीपेमेंट करते रहते टाइम बाय टाइम तो आपको बैंक सामने से ऑफर करता है कि हम आपकी लिमिट 1.5 लाख कर सकते हैं, आपको ऑफर एक्सेप्टेड 1.5 लाख कर दीजिए। तो होता है कि आप शुरू कीजिए, यूज करना चालू कीजिए, जैसे जैसे आपका यूटिलाइजेशन होगा और रिपेमेंट होगा बैंक खुद से आपको अपग्रेड करता रहेगा। आप चाहे तो बैंक को अप्रोच भी कर सकते हैं हायर लिमिट के लिए, या फिर आप दूसरी बैंक का कार्ड ले सकते हैं जो शायद आपको 2 या 3 लाख का लिमिट देगा। तो मेकिंग श्योर आपका ओवरऑल यूटिलाइजेशन क्रेडिट का वो हमेशा कंट्रोल में रहो, 20-25% के आइडियली 20-25% ज्यादा इंक्रीज ना हो, दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक श्योर कि आपका स्कोर बढ़िया से बना रहे। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है इंक्वायरीज। अब देखिए ऐसा होता है कि बैंक टिपिकली देखता है कि पिछले 90 दिनों में आपने कितनी क्रेडिट इंक्वायरीज की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कितने नए क्रेडिट अकाउंट्स खुले, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं भी लिया
बट आपने अलग बैंक के साथ अप्लाई किया और वहां पे इंक्वायरी गई है ब्यूरो में बैंक की तरफ से कि ये कस्टमर मेरे पास आया हुआ है जो नया प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वो इंक्वायरीज जो है वो काफी इम्पैक्ट करती है। आइडियली 5 से ज्यादा इंक्वायरीज 90 दिनों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज इसको इसको टर्म बोलते हैं क्रेडिट हंगर, कि ये कस्टमर बहुत ही ज्यादा उतावला है क्रेडिट लेने के लिए। तो वैसी अगर इंप्रेशन अगर बैंक को मिलती है तो वो थोड़ी ज्यादा सावधान हो जाती है। तो मेकिंग श्योर कि अगर आपको क्रेडिट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इंक्वायरी कर लीजिए, बट अचानक से 2-3 महीने के पीरियड के अंदर 5-10 इंक्वायरी अगर चली जाती है अलग अलग बैंक्स को, वो आपके क्रेडिट स्कोर को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। या कुशल, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो अपीयरिंग इन रिजल्ट, हमें भी काफी बार जरूरत पड़ता है तो हम देखते हैं कि जी बताया जाता है ऐसा कि आप जी हम बात करते हैं क्रेडिट स्कोर चेक करने की, तो वो भी ज्यादा बार बिना किसी रिक्वायरमेंट के ना किया जाए, बिकॉज दैट ऑल्सो डिक्रीज नहीं एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन एक्चुअली हम अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहते हैं। देखिए क्रेडिट स्कोर एज अ कस्टमर देखना और क्रेडिट स्कोर एक बैंक आपका चेक कर रहा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं एज अ कस्टमर ये डिफरेंट साइट्स आज की तारीख में तो अनगिनत साइट्स है, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, हर जगह जाके आप क्रेडिट स्कोर देखती हो, उसे कहा जाता है सॉफ्ट पुल। इसका बस मतलब ये कि कस्टमर खुद के लिए अपना क्रेडिट रिपोर्ट मांग रहा है, ठीक है? ये जो इंक्वायरी है ये आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो साल में एक बार तो आपको फ्री में रिपोर्ट देनी ही देनी है ब्यूरोज को, बट ये काफी सारे एप्स तो आपको हर महीने एक एक बार रिपोर्ट खींचने का यू नो मौका देते हैं। तो ये जो सॉफ्ट पुल होता है, आप अपना क्रेडिट स्कोर सिर्फ चेक करने के लिए अगर देखते हो, इससे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता। आप चाहे जितनी बार चाहे जितने पोर्टल से चाहे कर सकते हैं, बट जब भी आप कोई बैंक के पास क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हो और बैंक आपके बिहाफ पे इंक्वायरी करता है, इसे कहा जाता है हार्ड पुल। जब ये इंक्वायरी होती है तब क्रेडिट ब्यूरो में ये गिना जाता है कि ये कस्टमर क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित है और वो चीजें आपकी स्कोर को इम्पैक्ट करती है। तो इनफैक्ट आप पॉलिसी बाजार या पेटीएम जहां से भी आप चेक करते हो वहां पे आप चेक किया लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी कि आपका स्कोर क्या है, आपके अकाउंट्स कैसे खुले हुए हैं। बट जब भी आप बैंक के पास अप्लाई करते हैं वो इंक्वायरीज आपको लिमिट करनी चाहिए। दैट इज द क्लैरिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आउट हियर। ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अ करेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी। मैंने भी आज ही जाना है, बिकॉज आज तक हम यही सुनते हैं कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर नहीं चेक करना चाहिए बिकॉज ये अफेक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को। इट्स वेरी गुड थिंग कि नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट कि ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि मान लीजिए मुझे एक कार परचेज करना है या मुझे लोन लेना है, एंड वो जस्ट कार इंक्वायरी के लिए भी जब हम जाते हैं एंड हम बात करते हैं फाइनेंस की, दैट टाइम दैट कंपनी आस्क कि हम लोग चेक करेंगे एंड देन आपको बताएंगे, तो दैट कैन बी अ सिनेरियो। उस केस में वो लोग चेक करते हैं हमारा स्कोर, दैट कैन इंपैक्ट आवर क्रेडिट स्कोर, राइट? करेक्ट, इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा जब आप खुद से चेक करते हैं, तो ये तो मैंने जैसे 5 चीजें बताई दी, विंटेज, इंक्वायरी, रीपेमेंट यूटिलाइजेशन और क्रेडिट मिक्स, ये तो हो गए मेन फैक्टर्स जो स्कोर में जाते हैं। बट बैंक क्या करता है, ये भी देखता है, जब आपकी रिपोर्ट बैंक के पास आती है तो बैंक के पास वो ये भी चेक करते हैं कि आपके हिस्टोरिकली कौन कौन से कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेसेस, ये सब आपके ब्यूरो में अपडेटेड है, ठीक है? इसका रीजन ये है, बैंक देखता है कि आपके अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल एड्रेस, मल्टीपल नंबर्स अगर अपडेट होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कस्टमर एक्चुअली जब हम इसको रीच आउट करेंगे वो सही एड्रेस पे रह रहा है नहीं रहा है, इसकी थोड़ी डाउट जाती है। तो मेकिंग श्योर कि आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या रेसिडेंस एड्रेस, ये हर जगह अपडेटेड है, ये भी एक थोड़ा हाइजीन फैक्टर होता है टू मेक श्योर कि आपका क्रेडिट एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार आपका स्कोर शायद 700 के आसपास हो, बट कई बार जब अंदर डिटेल अकाउंट्स में जब जाते हैं तो कई बार होती है डिलेज दिखते कि कुछ अकाउंट्स में डिले हुआ है, कुछ अकाउंट्स में राइट ऑफ हुआ है। बिकॉज देखिए जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट स्कोर मल्टीपल फैक्टर्स का मिक्सचर है, राइट? कई बार एक फैक्टर बहुत अच्छा होता है बट दूसरे फैक्टर में कई बार थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छा क्रेडिट स्कोर होना डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू मेक श्योर आप क्वालिफाई करो, बट उसके बाद भी बैंक्स कई बार रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिसमैच कर रहे हो, आपके अगर कुछ अकाउंट्स में कहीं क्वेरीज मिल जाए कि कहीं पे डिफॉल्ट हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, पुराने राइट ऑफ हुए 2 साल पहले, तो ये सब चीजें भी थोड़ी इंपैक्ट कर सकती है फाइनल डिसीजन के लिए। तो व्हाइल गुड क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर आपका प्रोसेस आगे बढ़े, बट दिस इज नॉट अ श्योरिटी कि आपका प्रोसेस अप्रूव हो गई होगा, बट बिकॉज इवेंचुअली सब्जेक्टिवली जो भी क्रेडिट असेसमेंट मैनेजर होता है वो पूरी डिटेल रिपोर्ट देखेगा एंड अपना ओपिनियन देगा कि हाँ इस कस्टमर को हम क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये 2 चीजें भी ध्यान में रखने की जरूरत है अपना स्कोर अच्छे से बना के रखने के लिए।
यस कुशल, एंड बेसिकली ये आंसर भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए बिकॉज कि हम कंप्लेन करते रहते हैं कि व्हाई आई एम गेटिंग द 100 टाइम्स ऑफ कॉल्स कि लोन ले लीजिए फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, और हम परेशान हो चुके हैं. तो रीजन यही है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन बैंक जरूर दे रहा है तो आप उससे ज्यादा ध्यान दे. एंड दैट्स व्हाई बिकॉज दे हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर ऑफ योर्स तो वो आपको रीच आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड करा पाए. इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि जब जब स्कोर चेक करने की हम बात कर रहे थे, राइट, कि आप स्कोर चेक करके आप ये देख सकते हैं कि सही एड्रेस है नहीं, ये अकाउंट सही डिटेल्स नहीं दिख रहा आपको, आपके साथ भी शायद ये होगा कई बार आपने अपना स्कोर चेक किया और पता चला कि कोई अकाउंट जो आपका एक साल पहले बंद हो चुका है वो दिखा रहा है एक्टिव है, या फिर कोई अकाउंट आपका शायद था ही नहीं, आपने ये अमेजोन या पेटीएम पोस्टपेड चालू कर लिया और पता चला कि आप एक लोन अकाउंट बन गया है, ये भी आपके साथ शायद होगा और वो कोई और ही बैंक होगा, ऐसा बैंक जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, करूर वैश्या बैंक हो गया, आदित्य बिरला फाइनेंस हो गया, बिकॉज ये सब पार्टनरशिप होती है, ये अमेजोन पेटीएम इन सबकी पार्टनरशिप होती है, राइट. तो एक तो एक महत्वपूर्ण जो ये भी थी जैसे आपको वन ऑफ द रीजन जो आपको स्कोर चेक करते रहना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपका नेम एड्रेस अपडेटेड है नहीं है, आपके यू नो सही से अकाउंट डिटेल्स देखते दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार कोई अकाउंट आपका जो एक साल पहले बंद हो चुका है वो स्कोर में दिखा रहा है कि एक्टिव है, कई बार ये भी हो सकता है. सॉरी बिल्कुल कुशल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरे साथ नहीं, बट यस हमने काफी सारे से केसेस देखे हैं जब हम फ्रेंड सर्कल में देखते हैं. रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्पेशली कि क्यों, एक और रीजन है कि आपको क्रेडिट स्कोर चेक करते रहना चाहिए, उससे आपको रियलिटी भी पता चलती रहती है. बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि एट दैट टाइम वी मींस लाइक आवर फ्रेंड गॉन टू बैंक कि मुझे एक लोन चाहिए, उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाया, दैट इज बिकॉज उनको ये रीजन मिला कि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है. एंड व्हेन दे फाइंड आउट, उन्होंने पूरा चेक कराया कि क्या रीजन है, दे फाउंड आउट कि कोई एक ऐसा लोन है जो उन्होंने कभी जिंदगी में लिया ही नहीं बट उनके नाम पर चल रहा है और काफी ह्यूज अमाउंट का लोन है. देन दे डिड सम इंक्वायरीज एंड उन्होंने कंप्लेंट्स रजिस्टर की, देन बैंक ने कुछ एक्शन लिया, पता लगा कि वो किसी और का लोन था जो इनके अकाउंट में चढ़ा हुआ था, उसके रीपेमेंट्स नहीं हो रहे. सो दैट इज द रीजन स्पेशली जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी अच्छा पॉइंट की डेफिनेटली हमें चेक करते रहना चाहिए अपना. तो ये जैसे हमने उदाहरण दिया कि एक्टिव लोन है लेकिन आपको पता ही था, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने आपने अपना पेमेंट मान लीजिए 20,200 का आया था बिल, आपने 20,199 पे कर लिया, फिर 20,201 की जगह आपने 20,200 पे कर लिया, ठीक है, अब वो एक रुपया या फिर 5 रुपया जो भी एक रेसिडुअल अमाउंट है वो अगर आपने पे ही नहीं की और वो भी अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो बैंक उसको डिफॉल्ट गिनता है कि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है. तो कई बार यू नो बहुत सारे फनी रीजन मिलेंगे कि कई बार छोटी अमाउंट आपके पता ही नहीं थी कि आपने डिफॉल्ट मारा हुआ या डिले होकर रखा हुआ, बट कई बार कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और बैंक जब स्कोर देखे तो दिखता है कि स्कोर गिरा हुआ है, बिकॉज 90 डेज का डिफॉल्ट दिखा रहा है जो आपका था ही नहीं कब से. तो कई बार ये बेसिक चीजें चेक करने के लिए आपको भी स्कोर देखते रहना पड़ता है. और जैसे मैं और एक दूसरा उदाहरण है, कई बार आजकल ये पोस्टपेड या बीएनपी प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इफेक्टिवली वो भी एक लोन ही होते हैं. कई बार उनके पार्टनर बैंक्स होते हैं, करूर वैश्य बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस, ये सब बैंक चेंज होते रहते हैं, राइट. तो कई बार आपको पता ही नहीं होगा कि आपने एक्चुअली क्रेडिट प्रोडक्ट लेके रखा हुआ है, जो स्टेटमेंट में आपको जाके दिखेगा कि आपके पास इस बैंक का ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है. और होता ये कि कई बार ऐसे कोई भी मिसमैचेस होते हैं, राइट, उसका एक प्रोसेस है, हर ब्यूरो ने एक प्रोसेस देके रखा होता है, या तो किसी में ईमेल करना होता है आपको कि मेरा स्कोर गलत है, या फिर कहीं पे आपको फॉर्म पे करना होता है, फॉर्म भरना होता है जहां पे बताओ कि ये अकाउंट डिटेल्स गलत है. और इस प्रोसेस को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब कि जो अकाउंट डिटेल्स रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है वो उनमें कम से कम 60 से 90 दिन लग सकते हैं, बिकॉज ब्यूरो बैंक को बताएगा कि कस्टमर बोल रहा है ये डिटेल्स गलत है, बैंक चेक करेगा और फिर बैंक अपडेट करेगा 2 महीने बाद, एंड तब जाके आपका स्कोर जाके अपडेट होता है. तो ये प्रोसेस जो है वो काफी लंबा प्रोसेस होता है और इनफैक्ट आपको भी शायद अपनी बैंक को बताना पड़ेगा कि ये चीजें गलत है, बट ये 2-3 महीने लग जाते हैं आपकी डिटेल्स को वेरीफाई होने में, रेक्टिफाई होने में, विच इज वाई आपको एक्टिवली यू नो टाइम टू टाइम स्कोर देखते रहना चाहिए, क्रेडिट रिपोर्ट देखते रहना चाहिए, कुछ भी गलत चीज हो तो तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए सो दैट वो टाइम टू टाइम वो चीजें रेक्टिफाई करते रहे. कई बार होता है ये सिविल में सही चीजें दिख रही है बट एक्सपीरियंस में गलत दिख रही है, एंड कुछ प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस को लिया जाता है तो वहां पे भी आपको रेक्टिफाई करना चाहिए. तो आइडियली सिविल तो रेक्टिफाई आप करा ही लो अगर कुछ भी गड़बड़ है, पर हो सके तो एक्सपीरियंस और एक दो ब्यूरो की रिपोर्ट है वो भी आप चेक कर लिया कीजिए इनकेस वहां पे भी आपको कोई मिसमैचेस दिखे. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू कीप अ गुड स्कोर एज वेल एज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको हर बार अपना स्कोर देखते रहना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 बार हर साल देखना चाहिए आपको.
एंड इट इज लाइक कि वो एक रुपए की जो हम बात कर रहे हैं वो बढ़कर एक आपका ह्यूज अमाउंट बन सकता है कुछ टाइम में, जिसको पे करने में हमें फिर काफी तकलीफ भी होती है क्योंकि फिर उसमें पेनल्टीज लग जाती है, 1000 की पेनल्टी लगा दी, फिर उसमें इंटरेस्ट भी लग गया, तो ये काफी चीजें इंक्रीज होती जाती है। इतना अमाउंट ड्यू नहीं है जितना आपको पेनल्टी पे करना होता है। एंड इसका एक और गुड एग्जाम्पल विच हैपन विद मी ओनली, जहाँ पर हम समटाइम्स आज की डेट में ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट होते हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड इन दैट सिनेरियो वी फॉरगेट कि हमारी कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो हम किसी रीजन से या तो कार्ड को क्लोज कर देते हैं या फिर कुछ भी रीजन होता है, तो वो ईएमआईज जो है वो हमारी पेंडिंग ही रह जाती है, बिकॉज हमारे माइंड में ही नहीं था कि हमारी ईएमआईज अभी बाकी है। सो दैट आप ट्रैक करते रहें, दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन जनरल इन्फॉर्मेशन आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड हियर, जो आपने कहा कि बैंक को इन्फॉर्म करें, और अगर आपका बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्ट आरबीआई को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज पर न्यू गाइड। जी, आरबीआई ने भी एक इंस्टीट्यूशन बना के रखा है, उसको आरबीआई ओम्बड्समैन कहते हैं, कि अगर कोई बैंक आपकी रिक्वेस्ट को पे एक्ट नहीं कर रहा, आई थिंक 2 हफ्ते का टाइम है, अगर कोई बैंक 2 हफ्ते में आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप जाके ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। और ओम्बड्समैन एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये सिर्फ क्रेडिट स्कोर की बात नहीं करो, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट की बात होती है, एंड जहां पे उसके बाद बैंक को जवाब देना होगा गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कि क्यों उन्होंने उस कंप्लेंट पे एक्ट नहीं किया। तो ये तो आपके लास्ट मेजर्स हो गए, बट मेकिंग श्योर हाइजीन जो है कि आप अपना स्कोर चेक कीजिए, अपनी बैंक को सबसे पहले बताइए कि क्या चीजें गलत है, एंड उनको टाइम दे उस चीज को रेक्टिफाई करने, ये चीजें आपको टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए जरूर। So thank you so much, Kushal. That was a very great session. We have learned so much about the CRED score. Exactly, होता क्या है? क्यों important होता है? अच्छा होता है? बुरा होता है? अच्छा होना क्यों important है? कैसे हम अपना CRED score अच्छा बना सकते हैं? कैसे time to time check कर सकते हैं? और ये कहाँ कहाँ पर हमें help करता है हमारे business में भी और individually. जी. So thank you so much once again, Kushal. If you would like to say something, अगर आप एक संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे कि क्रेडिट स्कोर के बारे में हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या एक अपनी राय देना चाहेंगे अबाउट क्रेडिट स्कोर? तो क्रेडिट स्कोर इफेक्टिवली आज की तारीख में सिर्फ बैंकिंग आइडेंटिटी नहीं है, ये धीरे धीरे थोड़ी हद तक सोशल आइडेंटिटी भी बनी जा रही है। आप सरप्राइज होकर काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है टू देखने के लिए कि आप कोई फ्रॉड तो नहीं करोगे। तो ये क्रेडिट स्कोर इवेंचुअली आज के, और आप देख रहे होंगे क्रेडिट स्कोर और ये जो प्रोडक्ट है आज की तारीख में बढ़े ही जा रहे हैं, राइट? तो मोर एंड मोर पीपल को इंश्योर किया जा रहा है कि क्रेडिट प्रोडक्ट्स मिले, उस चक्कर में उनकी एक आइडेंटिटी बनी जा रही है, और ये आइडेंटिटी काफी कोर चीज है जो फ्यूचर में आपको काम आएगी, जब आपके चले आपकी शादी हो गई या बच्चे हो गए, उनको उनके लिए लोन अप्लाई करने, कुछ भी चीज करने, तो ये लॉन्ग टर्म वाली चीज है, राइट? अब ऐसा नहीं कि अगर आपका स्कोर बिगड़ गया तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट वो रेक्टिफाई करने में फिर 1-3 साल लग जाते हैं, बिकॉज देन आप शुरू से प्रूव करें कि आपकी हिस्ट्री अच्छी रही है, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप रीपेमेंट ढंग से करें, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो एक बार खराब हो जाए उसको चेंज करने में फिर लग जाते हैं 2 साल, बट उसी चीज को बरकरार रखे, मेंटेन कीजिए, देन आपकी लाइफ काफी सॉर्टेड हो सकती है अगर कभी भी आपको कोई रिक्वायरमेंट रही। तो ये चीज मैं बस बोलूंगा, बाकी तो कुछ नहीं। आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज है जो लोगों के बस अवेयरनेस होना कि पहले तो क्रेडिट स्कोर होना क्यों चाहिए, और हो भी जाए तो क्या क्या फैक्टर्स है जिससे वो बेटर स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन से हमारे व्यूअर्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले जो शायद उनको अब तक नहीं दी, एंड आई एम होपिंग इससे जितनी सहायता हो सके उतने खुशी होगी हमें। सो बस यही कहना चाहूंगा। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दिस सेशन वाज स्पेशली फॉर द अवेयरनेस ओनली। इस एपिसोड में हम यही चाहते थे कि आप तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाए, एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच कुशल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे कुशल जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर करता ये है कि आपके डिफॉल्ट होने के जो चांसेस होते हैं उनको कम करता है, यानी कि लोन लेने की मैक्सिमम कंडीशंस जो होती हैं आपके फेवर में हो जाती है, जैसे कि इससे आपके बिजनेस को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, साथ ही इससे आपको बेटर रीपेमेंट के टर्म्स मिल जाते हैं, इसी के साथ साथ आप बेटर लोन टेन्योर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको प्रोसेसिंग फी में भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऑल इज दिस जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड क्रेडिट स्कोर। सो डू चेक योर क्रेडिट स्कोर एंड मेंटेन इट, एंड
कीप इट एट अ गुड लेवल. क्रेडिट स्कोर का कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन ने भी हमें एक्सप्लेन किया था कि ये कंपनी वाइज डिफर करता है. क्रेडिट स्कोर जो होता है, एक अच्छा स्कोर जो माना जाता है वो 700 to 750 के बीच में माना जाता है. कुछ कंपनीज 800 भी काउंट करती है, कुछ के लिए 650 ही काफ़ी होता है. सो इट्स अ गुड थिंग कि आप इस एक मेजर थिंग के बीच में ही अपना क्रेडिट स्कोर रखें. डेफिनेटली 650 या 600 से कम होना इट्स नॉट अ गुड क्रेडिट स्कोर. सो आज के लिए इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही. हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और छोटा सा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए. तभी तो आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलेगी. हम अगले हफ्ते आने वाले हैं, आपसे फिर से इस लाइव सेशन में मिलेंगे. और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हैप्पी व्यापारी.